हेलो फ्रेंड्स, आरतीज किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मसाला भाखरी की रेसिपी, जो सुबह या शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है और दही के साथ भी अच्छी लगती है। अगर आपके बच्चे भाखरी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का दरदरा आटा। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ओरेगानो और एक चम्मच कसूरी मेथी। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल। अगर आप चाहें तो मोइन में घी भी डाल सकते हैं। और अब हम अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे और इसका अच्छे से आटा गूंद लेंगे। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि अगर हम आटा अच्छे से गूंदेंगे तभी हमारी भाखरी अच्छी बनेगी। और इसका आटा हम थोड़ा कड़क गूंदेंगे। अच्छे से गूंद लिया है आटा, अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इतना कड़क आटा बनाना है। अब हम इसमें से एक लुई ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। इसको बेलने के लिए हमें सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको हम कोई भी शेप में अपने हिसाब से बेल सकते हैं। यहाँ पे मैं गोल बना रही हूँ। इसको हमें इतना थिक रखना है। और एक मैं बाउल ले लेती हूँ जिससे मैं कट कर लेती हूँ भाखरी, ताकि हमारी सारी भाखरी के एक से ही शेप आ जाए गोल। और एक्स्ट्रा आटा मैं साइड में से निकाल लेती हूँ। अब हम दूसरी भाखरी बेल लेते हैं। और इसको भी मैं कट कर लेती हूँ गोल। और इसका भी हम एक्स्ट्रा आटा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी भाखरी कितनी कलरफुल लग रही है। इस तरह से मैंने सारी भाखरी बेल ली है। अब हम इसको सेक लेते हैं। आयरन के तवे पे मैंने भाखरी को रख दिया है और इसको हमें धीमी आंच पे ही सेकना है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक साइड पक चुकी है कि नहीं। हाँ, अब दूसरी साइड भी हम सेक लेते हैं। हमें धीमी आंच पे ही सेकना है। अब हम भाखरी के ऊपर घी लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। और हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं। इस तरह से हमें इस सारी भाखरी को दबा के सेकना है, ताकि इसकी डिज़ाइन अच्छी बने और इसका ब्राउन कलर आए और अच्छे से सिक जाए। इस तरह से हम दोनों साइड दबा के भाखरी को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें
ब्राउन कलर कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से हम सारी भाखरी सेक लेंगे। तो तैयार है हमारी मसाला भाखरी। आप इसको सुबह की चाय या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी शेयर करें।